पलेरा थाना क्षेत्र के बुदौर गांव में बीते दिनों तहसीलदार द्वारा जब्त की गई रेत चोरी हो गई। भंडारा से चोरी करने का वीडियो भी वायरल हुआ। पलेरा थाना पहुंचकर खनिज निरीक्षण की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 19 जुलाई को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रेत की चोरी होने की सूचना खनिज विभाग को लगी, जिस पर अधिकारियों के निदेशक द्वारा रविवार को पुलिस के साथ मौके पर जाकर प्रभारी खनिज अधिकारी ने निरीक्षण किया। रेत के अवैध भंडारण में से लगभग 10 ट्रॉली 30 घन मीटर रेत चोरी की गई। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 389 IPC 53 मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने खनिज अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते रहे। पलेरा तहसीलदार हर्षल चौधरी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि रेत का भंडारण किया जा रहा है अवैध रूप से बुदौर में, तो माइनिंग की टीम बुलवाई गई थी जिले से, और जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया था तो 14 जुलाई को लगभग 300 ट्रॉली रेत जब्त की गई थी। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से 10 ट्रॉली करीब रेत की चोरी हुई है रात में। तो जो हमारे माइनिंग से जो आए थे ऑफिस से प्रभारी खनिज निरीक्षक अजीम खान, उनके द्वारा एक FIR दर्ज करवा दिया गया है अज्ञात नाम से। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जैसे ही कोई खबर मिलती है, कोई पकड़ाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।